Hello, yes. Today we are talking about Hall effect. Hall effect हमारा semiconductor का एक part है, जिसमें हम अपना introduce हुआ है यहाँ पर voltage, जब हम semiconductor जिसमें current है, उसको अगर magnetic field में substitute करते हैं, तो video को आप पूरा देखिए, इसमें पूरा derivation दिया है, Hall effect का angle भी निकाला गया है. वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जैसे इतने वीडियोस बनाते रहे आपको उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा. चलिए हम बात करते हैं अपने हॉल इफेक्ट के बारे में. हॉल इफेक्ट का सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए. तो डेफिनेशन में हमारे पास हॉल इफेक्ट क्या कहता है कि यदि कोई हमने मेटल लिया है या कोई सेमीकंडक्टर लिया है, जैसे हमने यहाँ पे क्यूबिकल फॉर्म में बना लिया है, तो यहाँ पे यदि ये मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है, अगर हम मेटल और सेमीकंडक्टर ले रहे हैं जिसमें हमने करंट इंट्रोड्यूस किया है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो हमारा ये करंट हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस में हमने इसमें करंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है. मींस जो हमारे पास मेटल या सेमीकंडक्टर है उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में फ्लो हो रहा है. और इस तरह के मेटल या सेमीकंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यदि उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं या रख देते हैं, तो हमारे पास इन दोनों इसके कारण करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक वोल्टेज इंड्यूस होता है. यहाँ पे वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और नीचे लेयर के बीच में इंट्रोड्यूस होता है, जो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. कहने का मतलब ये है कि यदि आपने करंट इंट्रोड्यूस किया है मेटल में या सेमीकंडक्टर में एक्स डायरेक्शन पे, और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, एक्स और जेड दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो उसके कारण आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और नीचे वाली लेयर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. मींस ये वाई एक्सिस में होगा, एक्स आपका एक्स एक्सिस में करंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वाई एक्सिस में होगा. मींस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, आई बी जेड और ई एच. अब हम इसका डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं. तो जब हमारे पास इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस हॉल इफेक्ट की ये है कि यदि आपके पास यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है उसमें से ये पता लगा सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. मीन्स हम ये पता लगा सकते हैं जो आपने मेटल या सेमीकंडक्टर यूज किया है वो उसमें आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन या होल. अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो आपका ये सेमीकंडक्टर एन टाइप हो जाएगा, और अगर होल्स हुए या पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा. इसके बाद आप इसमें ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं. मींस आप ई और पी की वैल्यू, सॉरी ई नहीं, आप इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मींस एन कितने हैं, एन चार्जेस कितने वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और पी चार्जेस कितने हैं वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. और यदि आपको इसमें मोबिलिटी पता है तो आप इसकी कंडक्टिविटी भी इजिली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि इस मटेरियल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है. चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना. सबसे पहले हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हमने मेटलिक मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर को सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसमें हमारे पास लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगा. लॉरेंस फोर्स एक्ट करने लगेगा और उसी लॉरेंस फोर्स के इक्विवेलेंट पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरेट हुआ है, जिसके कारण एक हॉल वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके इस डिस्टेंस डी पे या लेंथ ब्रेथ आप जो भी लेना चाहें मटेरियल का उस पे. ये आपका जो फोर्स डेवलप हुआ है, ये जनरेट हुआ है, दैट इज हॉल फोर्स. तो ये जो हॉल फोर्स आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है या इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू लॉरेंस फोर्स. और आप इस लॉरेंस फोर्स की वैल्यू और हॉल फोर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर क्यू आपके पास चार्ज है इसमें, तो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आपका हॉल फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू EH. और जो लॉरेंस फोर्स है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी क्यू वी, जो आपका बी है अलोंग जेड एक्सिस है,
और एक्स जो है आपका वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपका एक्स एक्सिस में है। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या हॉल फील्ड जो निकलेगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, या दोनों तरफ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बी इंटू पी जेड इंटू वी एक्स। तो ये जो हमें हॉल फील्ड मिला है इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वी एक्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर निकाल लें, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी ई एच अपॉन वी जेड। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, करंट डेंसिटी हमारी इंट्रोड्यूस होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट डेंसिटी विल बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास था वो डी जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट डेंसिटी हमारे पास जो है, करंट डेंसिटी जे एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ चार्ज हो रहे हैं और चार्ज की हमारे पास वैल्यू कितनी है, साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो एन नंबर ऑफ चार्ज हम ले लेंगे तो जे एक्स की वैल्यू जो हमारी यहाँ निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू एन नंबर ऑफ टोटल चार्ज, क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग, एज वी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन जे एक्स विल बी नेगेटिव। तो ये आपको वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 पे वी एक्स की वैल्यू है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें करंट डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वी एक्स की वैल्यू हम ऊपर से सब्सटीट्यूट कर लें तो जे एक्स विल बी माइनस एन क्यू ई जेड सॉरी ई एच बाय बी जेड, ये हमें हमारे डेंसिटी की वैल्यू मिली है। अगर हम इसमें से चार्ज कंसेंट्रेशन निकालना चाहें, मींस कितने नंबर ऑफ चार्ज है, तो वो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ई एच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द इंट्रोड्यूस्ड ई एच जो हमारे पास था दैट वॉज इक्वल टू वी एच बाई डी, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं एस ई एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन डी। तो इस थर्ड इक्वेशन पे हम इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो हो जाएगी हमारे पास माइनस एन क्यू ई की जगह वी एच बाई डी और वी जेड हमारे पास पहले से है। अब यहां से हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं चार्ज कैरियर का, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू यदि कैलकुलेट कर लें तो एन गिव्स यू द नंबर ऑफ चार्ज, तो नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा जे एक्स बी जेड डी अपॉन एन, एन तो हम यहाँ ले जा चुके हैं तो बचेगा हमारे पास क्यू इंटू वी एच, ये हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। ये हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर निकल गया, मींस एन जो है हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है। अब यहां से हम हॉल वोल्टेज कैलकुलेट करके निकाले तो वी एच हमारा यहाँ चला जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो हमें हॉल वोल्टेज मिल जाएगा। तो हमारे पास जो हॉल वोल्टेज है वो हमें मिल जाएगा, तो हॉल वोल्टेज निकाल लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन नंबर, हम इसको 5 दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 5 से हम इसका हॉल वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी एच की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहां से 1 जो हमारे पास आएगी वैल्यू हमारे पास होगी जी एक्स बी जेड डी अपॉन एन क्यू, ये हमारे पास हॉल वोल्टेज आ गया है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। जो इक्वेशन नंबर 6 हमें मिल गया है, अब हमारे पास हमें पता है कि अगर हम जी एक्स जो करंट डेंसिटी है इसको यदि हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारा होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया मींस जी एक्स विल बी इक्वल टू आई बाय ए। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं ना, और इस 7th इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू आई के टर्म्स में मिल जाएगी। जैसे हमने वी एच इज इक्वल टू माइनस जे एक्स बी जेड डी और जे की जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो यहां हमारे पास हो जाएगा आई बाय ए।
आई बाय ए बी जेड डी अपॉन एन क्यू। अगर हम एरिया की बात करें तो जो हमने डायग्राम में क्यूब एरिया बनाया था, क्यूब बनाया था, उसमें एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया इज डी इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो वी एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वी एच इज इक्वल टू माइनस आई बी जेड डी अपॉन ए की जगह डी इंटू टी एन क्यू, तो ये डी को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास वी एच की वैल्यू हो जाएगी, वी एच इज इक्वल टू माइनस आई बी जेड अपॉन एन क्यू टी, ये आपको वी एच की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो वैल्यू है आपके पास मिली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए। दिस इज द हॉल वोल्टेज ऑब्टेन व्हेन अ सेमीकंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये इतना वोल्टेज हमारा इंट्रोड्यूस होगा यदि हम सेमीकंडक्टर को जिसमें करंट है अलोंग एक्स एक्सिस उसको मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में रख देते हैं। अब इसके बाद जो हमारे से कांस्टेंट वैल्यू आई वेरी हो रहा है, बी जेड वेरी हो रहा है, टी आपका वेरी हो रहा है, पर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है आपके पास नंबर ऑफ चार्ज एंड इट्स वैल्यू। तो आपके पास दो कांस्टेंट टर्म मिली है, एक है एन और दूसरी है क्यू, तो माइनस आई बाय एन क्यू को हम एक नया कांस्टेंट नाम देंगे, दैट इज आर एच, और ये हमारा कहलाएगा हॉल कोएफिशिएंट। इसको यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास हॉल वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी आर एच आई बी जेड अपॉन टी। तो ये आपको हॉल कोएफिशिएंट के टर्म्स में आपको हॉल वोल्टेज मिल गया है। अब ये जो हॉल कोएफिशिएंट आपको मिला है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जैसे हमने ये कहा था इसका हमारे पास हम ये बता सकते हैं कि हमने जो सेमीकंडक्टर लिया है वो पी टाइप का है या फिर एन टाइप का है, तो वो बताने के लिए ये आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आर की वैल्यू, जैसे अभी हमें ये नेगेटिव टर्म मिली है, अगर नेगेटिव टर्म है आर एच की, तो हमारे पास ये बता रहा है कि जो सेमीकंडक्टर है उसका जो चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द होल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि आर एच जो है ना वो नेगेटिव है। तो आपका ये सेमीकंडक्टर एन टाइप का है, यदि आपका ये आर एच की वैल्यू पॉजिटिव देता है तो आपका जो होल है वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन पे, तब आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पर पी टाइप का हो जाता है। तो ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है, हमने तीन चीजें जो इसकी इम्पोर्टेंस में था उसको कैलकुलेट कर लिया है। सबसे पहले हमने कंसेंट्रेशन निकाल लिया एन, फिर हमने डिटरमाइन कर लिया उसकी चार्ज कैरियर्स कितना है, वोल्टेज कितना इंट्रोड्यूस हुआ, हॉल कोएफिशिएंट कितना है ये निकाल लिया। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमें पता है तो हम उसकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो यहाँ पे मूव हो रहा है ये चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को हमने म्यू ले लिया, जो भी हमारे पास चार्ज निकला है, चाहे होल निकला है, चाहे हमारे पास हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स लिया, जो भी मेजोरिटी कैरियर है यहाँ पर उसकी वैल्यू यदि हमें पता है, उसकी मोबिलिटी अगर हमें पता है चार्ज कैरियर की, चार्ज कैरियर की मोबिलिटी अगर म्यू है, तो हम क्या करें इसमें, हम उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन क्यू। जो आर एच है उसका हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये दिखा रहा है हमारे पास कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी यदि हमें पता है तो हम एबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू
RH into sigma. RH जो हमारा हॉल कोएफिशिएंट है वो हमने निकाल लिया RH into sigma. इसको आप इक्वेशन नंबर 9 दे दीजिए, इससे आप मोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ यू नो द कंडक्टिविटी यू कैन फाइंड आउट द मोबिलिटी. अब हम बात करते हैं हॉल एंगल की. हॉल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे इंट्रोड्यूस वाली चीज और जो हमने प्रोवाइड की है वो चीज हम इसमें लेके जाएंगे. सबसे पहले हमने इसमें करंट दिया था, जो सेमीकंडक्टर हमने दिया था उसमें हमने अप्लाई किया था करंट, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी. पूरे सब्सटेंस को या हमने सब मटेरियल को अपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हॉल फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ उसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे दैट विल गिव यू द हॉल एंगल. इसका रिजल्टेंट हमने ले लिया, ये हमारे पास इसका बेस आ गया. अब इसी फिगर से यदि हम निकालते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां आपका परपेंडिकुलर है ई एच और बेस आपका ई एक्स. टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस ई एच अपॉन ई एक्स. अब हम यहां पे ई एक्स और ई एच की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ई एच की वैल्यू हमें पता है ई एच इज इक्वल टू वी एच बाय डी, और जो VH है उसको यदि हम ओपन करेंगे VH by D की वैल्यू को, हॉल वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया था वहां से इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो वो हमें दे देगा JX BZ VH by D. पूरी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा NQ. और यहाँ पे जो चार्ज है हम दोनों चार्ज के निकाल रहे हैं, तो हम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हम उसका मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे. तो ये हमें मिल गया ई एच की वैल्यू, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 11. उसके बाद आप ई एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी के टर्म्स में. आपके ई एक्स की वैल्यू आ गई, आप इक्वेशन 10 में इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 को रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा tan theta is equal to jx bz upon nq divided by rho jx. jx आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा tan theta is equal to bz rho into nq. अब NQ आपके पास क्या है, अपॉन NQ इज RH, RH के टर्म में आपको वैल्यू मिल जाएगी tan theta is equal to RH BZ अपॉन rho. यदि कंडक्टिविटी आपको दी हुई है तो 1 अपॉन rho इज sigma S, 1 अपॉन rho इज sigma. और यदि आपको कंडक्टिविटी दी आप इस तरह से निकाल सकते हैं और रेजिस्टिविटी दी इस तरह से निकाल सकते हैं. इवन आपको यदि मोबिलिटी दी हुई हो तो आप मोबिलिटी के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, क्योंकि मोबिलिटी आपके पास क्या है RH into sigma. RH और sigma को आप यदि मोबिलिटी रखना चाहें तो आपके tan theta is equal to mu BH हो जाएगा, as mu is equal to RH into sigma. ये आपकी tan theta के वैल्यू निकली. अब थीटा आप निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू बी एच बी जेड, बी एच नहीं है बी जेड है ठीक है, z डायरेक्शन में, या आपका tan इनवर्स ऑफ आर एच बी जेड इंटू सिग्मा, या फिर रेजिस्टिविटी के फॉर्म में आपका आ जाएगा आर एच बी जेड अपॉन रो. तो ये आपको
हॉल एंगल प्रोवाइड कर देता है। तो आपको हॉल वोल्टेज भी मिल गया, मोबिलिटी भी मिल गई, कंसंट्रेशन भी मिल गया, और आपने डिटरमाइन भी कर लिया कि ये सेमीकंडक्टर पी टाइप है या एन टाइप है। इवन आपको हॉल एंगल भी मिल गया, तो आपने सारी चीजें यहाँ पे डिराइव कर ली है। तो ये आपका हॉल इफेक्ट पूरी तरह से हो गया है। अब आपको यदि इसमें कोई डाउट लगता है तो जरूर आप कमेंट कीजिए वीडियो पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू व्यूअर्स।